लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पत्थर लगाइए, अजीब ड्राइवर उतार पर बिना हैंडब्रेक लगा गाड़ी छोड़कर चले जाते। घबराइए नहीं, खतरा टल चुका है, पत्थर लग चुका है। आप ठीक तो है ना? देखिए मैं चलिए मैं आपको मैं घर तक छुड़ाता हूँ। आइए पर खुदार, हम भी जवानी में लड़की को यही कहकर घुमाने ले जाते थे कि आओ तुम्हें घर छोड़ दूं। अगर आप न होते तो आज तो मेरा कचुम्बर निकल जाने वाला था। अभी भी सोचकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। जी देखें, जी वाकई आप बहुत ठंडी हैं। मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तेज रफ्तार से चलती है गाड़ी को अकेले आपने कैसे रोक लिया। देखिए हिंदुस्तानी जबान में एक लफ्ज होता है मर्द, जो हर किसी आदमी पर नहीं फपता। ये बात तो है, लेकिन आपको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि आप में इतनी ताकत है। आंटी जी, जो खालिस मर्द होता है ना, वो 24 घंटे अपनी मर्दानगी का ऐलान नहीं करता, बस किसी खास वक्त पर उसका इस्तेमाल करता है। ओ गॉड, क्या हुआ? मेरे कॉलेज का एक लड़का है, बॉक्सिंग चैंपियन क्या है, समझता है कि हर लड़की के साथ फ्लर्ट करने का उसे पैदाइशी हक है। He is such a boy. Hi, sexy. How are you, sweetheart? देखो मोंटी, तुम हद से आगे निकल रहे हो। Oh, come on, आरती. Stop it. हम लोग एक ही कॉलेज जाते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दो चार बातें कर ली तो क्या हर्ज है? क्यों जी? Waiter. जी साहब. Get 3 bottles of beer. They call me Monty. आपकी तारीफ? इनकी यही तारीफ काफी है कि एक शरीफ आदमी है, वरना अभी तक तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देते। अच्छा, क्यों साहब? आपका ख्याल है कि आप मुझे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देंगे? कहिए कहिए, बोलती क्यों बंद हो गई? जो खालिस मर्द होता है उसे 24 घंटे अपनी मर्दांगी का ऐलान नहीं करना पड़ता, सिर्फ सही मौके पर इस्तेमाल करता है। अच्छा अच्छा, तो आप सही मौके का इंतजार कर रहे हैं? जी नहीं, ये मेरा लिहाज कर रहे हैं, वरना अभी तक तुम्हारी बत्ती सी बाहर होती। वेरी गुड वेरी गुड, तो आप दोनों मेरी बत्ती से निकालने का प्रोग्राम बना चुके हैं। ठीक है, आज शाम को कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियनशिप तो है ही, वहां फैसला हो जाएगा कि कौन किसकी बत्ती से निकालेगा। तुम क्या समझते हो, ये तुमसे डरते हैं? बेशक। वेट अ मिनट, देखिए भाई, हम लोगों के बीच में बॉक्सिंग रिंग कहां से आ गई? देखो नौजवान, तुम पहलवान होने के बावजूद समझदार नजर आ रहे हो, फिर ये जरा सी बात पर मारा मारी क्यों? लातों के भूत बातों से नहीं मानते अरुण जी।
आज शाम को आप जरा इनका लेफ्ट राइट ले ही लीजिए। हाँ जी, वो तो मैं ले लूंगा, लेकिन मेरा एक उसूल है कि मैं अपनों से छोटों पर कभी हाथ नहीं उठाता। वो तो बॉक्सिंग रिंग में मालूम पड़ेगा बच्चे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। अब बियर खोलो। आए तल्ला है, जरूरत पड़ेगी। नो प्रॉब्लम, टेक इट इजी। हाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, बिरयानी दबाओ। आप करे परेशान ना हो, या जान पर बनाइए। अरे ज्यादा में ज्यादा क्या करेगा भाई, मेरी बोटी बोटी करके किलो के भाव बेच देगा। ला हौल विला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अरे भाई तुम्हारा वास्ता गनी भाई से है, एक बार जवानी में मैं भी बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ। गुर की बात सुनो, जब सामने वाला घूंसे मारना शुरू करे तो चुपचाप खाते चले जाओ, कुछ मत करो, बस खाते चले जाओ। और फिर क्या, जब वो मारते मारते थक जाए तो तुम शुरू हो जाओ। वाह क्या तरकीब सुझाई। और अगर वो ना थके तो? अरे उसका तो बाप भी थकेगा। सुनो, सुबह गाड़ी का ब्रेक मेरे हाथ में था ना, शाम को बॉक्सर का ब्रेक तुम्हारे हाथ में होगा, देख लेना। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंटिंग आवर कॉलेज बॉक्सिंग चैंपियन मोंटी मल्होत्रा। मोंटी के साथ तीन राउंड का एग्जीबिशन मैच कर रहे हैं श्री अरुण शर्मा। हाय शाबाश, आगे अपना भी शेर आ गया है। हाय शाबाश। हाँ ये देखो फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 और ये 4, याद रखना। Both boxers in the middle of the ring. 25. चलो। Shake hands. चल। Go man. Come on. अरे उतर 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 इधर का। अरे डक क्यों कर। शेर का रक्षा बन, शेर का, बकरी का नहीं, फार्मूला 4 चिपका दे। ठीक जा, आ जा, आ जा, आ जा। वन थ्री फोर फाइव वन एल की मार में गिर गया। थैंक यू, अब बस देखिए अगले ही राउंड में फिनिश कर दूंगा। वन टू थ्री फोर फाइव। मैं मैच रुकवा देती हूँ, मगर चले मैच बंद करवा देती हूँ। इधर है, इधर है, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
सुन तो सही। फॉर्मूला फॉर्मूला किधर है लो। अरे फॉर्मूला हाँ। भी देता हूँ आरती इधर है। अरे बेईमान अरुण जी आप ठीक तो है ना? भाई इकट्ठे लड़ते हैं। हाँ आप चुप रहिए गरीब। नहीं नहीं मैं आरती हूँ आरती। एक एक करके आओ अरुण जी। राइट व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू मीट योर चैंपियन। समझता है आप तो को अंग्रेजी नहीं आता है। मोंटी बहादुर तुम मर्द लगते तो हो मगर हो नहीं। क्या बकते हो? अरे, 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 अरे मेरा मतलब यह है कि हमारा चैंपियन ये बोलता है कि अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो फाइट बगैर रेफरी के होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि फाइट उस वक्त खत्म होगी जब दो में से एक खत्म हो जाएगा। ठीक है बड़े मियाँ, अपने पट्टे का आखिरी दीदार कर लो, इसके बाद वो दुनिया में ज्यादा देर नहीं टिकेगा। बात में तो दम है, बॉडी में भी देख लेते हैं। बॉडी में भी दिखता है मगर थोड़ा सा। लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों बॉक्सरों के दरखास्त के मुताबिक ये आखिरी राउंड बिना रेफरी के होगा। जल्दी से मेरे दूर से शॉट्स लेके आओ। लेकिन क्यों? गो इडियट गो। नीच को नहीं मानते, आप लोग अमीर नहीं तो क्या शरीफ तो हैं। और शराफत की दौलत बल्ला जवाब नहीं, जितना खर्च करो उतना ही बढ़ती है। तो बस फिर शुभ काम में देर किस बात की? जब हमारी बड़ी लड़की बबली की शादी रणवीर के साथ होगी उसी दिन हम अपनी बिटिया आरती की शादी अरुण के साथ कर देंगे। आप चुप रहिए जी, शादी ब्याह का मामला है, कोई मजाक नहीं। बहन जी मैं तो साफ बात करने की आदी हूँ, अरुण हमें पसंद है, लेकिन आप ही सोचिए इतना होनहार लड़का एक छोटी सी तनख्वाह के लिए कब तक बसों और ट्रेनों में धक्के खाता फिरेगा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। सीधी सी बात है, अब रोनी को ही देख लीजिए, ये कौन सा खानदानी रईस है। आज अगर चार आदमियों के बीच उठने बैठने लायक हुआ है तो हमारी वजह से।
वाकई आंटी ने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा दिया है। जरा संभल कर बैठना, गिर गए तो पानी तक नहीं मिलेगा। गनी भाई, इन हजरात की पकड़ और इनकम टैक्स की पकड़ एक जैसी है, एक बार पीछे लग जाए तो जिंदगी भर नहीं छूटती। क्या बात कही, एक जलेबी उठा ली। शुक्रिया। लो। आपको तो हर वक्त मजाक सोचता है। ओहो। सुमन बहन, अगर हमने रोनी के लिए इतना कुछ किया है तो आपके भाई की भी जिंदगी बना देंगे। अरुण बेटे, शादी के बाद हम तुम्हारे लिए और आरती के लिए पड़ोस में एक बंगला बना देते हैं और अपनी कंपनी में मैनेजर का जॉब भी दे देंगे। वाह आंटी, आपकी दरियादिली का तो जवाब ही नहीं, यू आर ग्रेट। तो बात तय समझे, ये लीजिए, लीजिए मीठा कीजिए। आप भी। क्यों, क्या बात है? शांति बहन, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहती हूँ, अरुण पढ़ा लिखा है, मेहनती है, अगर भगवान ने चाहा तो ये खुद तरक्की कर लेगा, और अगर आरती इस घर में लक्ष्मी बनकर आए तो मोटर बंगला ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों आरती देवी, 1200 रुपए तनख्वाह में, इस किराए के मकान में, बसों और ट्रेनों में मेरे साथ गुजारा करना पसंद करेंगे? बल्ला जवाब नहीं, अब तो सिर्फ एक बात रह जाती है और वो है मुंह मीठा करने की। क्यों, ठीक है ना? आपको चमचे की क्या जरूरत है, हाथ से उठाइए। यहाँ शाम के वक्त सब्जियां हमेशा सस्ती मिलती हैं। सिर्फ इतना ख्याल रखना पड़ता है कि बासी ना हो। तू ये धीरे धीरे समझ जाएगी। अच्छा दीदी, आप मुझे स्टोव जलाना सिखाएंगी ना? हेलो आरती। हाय सबीना, कहाँ जा रही हो? आ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आओ दीदी। तू बस स्टॉप पे क्या कर रही थी, टैक्सी नहीं मिली क्या? हाँ हाँ यार, आधे घंटे से टैक्सी ढूंढ रहे थे, फिर सोचा बस की लाइन में खड़े हो जाते हैं, जो पहले आ जाए टैक्सी या बस। अच्छा सुन, कल रात को मेरे घर पार्टी है, तू जरूर आना। ठीक है। स्लीपिंग ब्यूटी। अरे क्या सोच रही हो? अरुण, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। आइडिया तो मुझे भी बहुत अच्छा आया है। अच्छा, तो तुम पहले बताओ। नहीं। क्यों? तुम पहले कान इधर लाओ। वो ये है कि तुम पपी दे दो। स्टुपिड। ची। अरे आरती, वो क्या है कि तुम अपना आइडिया बता दो। अरुण, जब हमारी शादी हुई थी। हाँ, जब हमारी शादी हुई थी तब तुमने नई नवेली दुल्हन के लाल लिबास में मेरे सपनों की दुनिया में कदम रखा था। तुम कहो। मैं कह रही थी कि शादी के वक्त। अरे हाँ, शादी के वक्त बहुत ही बेकरार था, क्योंकि उस रोज हमारे बीच की दूरी मिट जाने वाली थी और वो दूरी मिट भी गई थी, लेकिन अब जाने कहाँ से ये दूरी तुम कहो। मैं कह रही थी कि शादी के वक्त हमें प्रेजेंट्स में 22,000 रुपए भी मिले थे। हाँ मिले थे। अच्छा। मैं सोच रही थी उन 22,000 रुपयों से क्यों ना एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ले, तब तक दीदी और मैं
बस हमें धक्के खाते रहेंगे। ठीक है, मैं खरीद लेते हैं। मैं कल दीदी से पूछ लूंगा, फिर गाड़ी खरीद लेंगे। तुम्हें लगता है वो मान जाएंगी? मान जाएंगी, जरूर मान जाए। अरुण, अरे मन में बात हो गई, नखरे मत करो। गाड़ी तो तुम खरीद लोगी आरती, लेकिन आजकल गाड़ी मेंटेन करने के लिए भी तो महीने के 300-400 रुपए लग जाते हैं। ये बात तो ठीक है। दीदी, अरुण कह रहा था कि आप हर महीने 200-250 रुपए बचा लेती हैं। अगर इतने पैसे बच जाते हैं तो खींचतान कर 300-400 भी निकल सकते हैं ना? हाँ दीदी, ये बात तो ठीक है। जितना आसान तुम समझती हो उतना आसान नहीं है आरती। आधी से ज्यादा तनख्वाह तो राशन और घर के किराए में लग जाती है। भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी मानो तो ये पैसे कुछ देर संभाल के रखना, न जाने कब काम आ जाए। हाँ दीदी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा करते हैं, बैंक में मेरा और तुम्हारा जो ज्वाइंट अकाउंट है ना, ये पैसे उसमें रख देते हैं। अरे सारी जिंदगी पड़ी है, कार क्या, हम लोग ले लैंड ट्रक खरीदेंगे, तुम मेरे साथ अगली सीट पर बैठना। स्विट्जरलैंड भी बहुत खूबसूरत था, और लंदन में तो मैं इतनी शॉपिंग कर रही हूँ आरती कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। काश तुम दोनों भी हनीमून के लिए रॉनी और मेरे साथ आए होते, बड़ा मजा आता। अरे आरती, तुम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? बस यूं ही। बेटी जा इधर हो जाना, चलो बच्चों जल्दी कुर्सी हटाओ, प्रोग्राम शुरू हो गया, चलो चलो चलो। सुमन बहन, आपके घर टीवी आया, बस मजा आ गया। अरे हाँ आरती, आज तो तुम्हें पार्टी पे जाना था ना, अभी तक गई नहीं? रहने तो दीदी, कोई तोहफा या गुलदस्ता खरीदने गई तो खामखा 20-25 रुपए खर्च हो जाएंगे। शायद वही 20-25 रुपए घर के कुछ काम आ सके। चले चाय बना। कहाँ जा रहे हो? पानी भाई के यहाँ। अच्छा सुनो, इसे अलमारी में रख दो। लेकिन दीदी जा ना। वो ये सब जा।